राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी में हम खीरे के महत्व को जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि क्यों होती है खीरे के बिना अधूरी ये पूजा। तो देखिए, लड्डू गोपाल की पूजा में उनके श्रृंगार का बड़ा ही महत्व होता है। उनको भोग के लिए 56 प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं, लेकिन खीरे के बिना क्यों ये पूजा संपन्न नहीं होती है, चलिए इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में राधे राधे लिखें, और पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हर साल में एक ऐसा दिन आता है जब सारे लोग बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उस दिन नंदलाल श्री कृष्ण के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह पवित्र दिन कृष्ण जन्माष्टमी कहलाती है। इस साल जो 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर मौजूद लोगों को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए माता देवकी के गर्भ से कंस के ही जेल में जन्म लिया था। नंदलाला का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में 12 बजे ही की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा में उनके श्रृंगार का बहुत महत्व है। उनको भोग के लिए 56 प्रकार का खाना अर्पित किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि ये जो त्यौहार है उसमें खीरे का क्या महत्व होता है, क्यों मानी जाती है खीरे के बिना ये पूजा अधूरी? तो चलिए मैं बताती हूँ। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, और उसे जन्म के बाद माता के गर्भ से गर्भनाल को काटकर अलग किया जाता है, उस तरह जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को खीरे के भीतर रखा जाता है। रात में जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकाल कर जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खीरे से कृष्ण के जन्म की इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि खीरे से बाल गोपाल का जन्म कैसे कराएं। तो जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे नंदलाल का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी वक्त खीरे के टंडल को रात के 12 बजे एक सिक्के से काटकर कान्हा का जन्म कराएं। इस विधि के बाद कान्हा का शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर श्री कृष्ण की पूरी विधि विधान से पूजा करें। भोग में पंजीरी पंचामृत के साथ उन्हें खीरा जरूर चढ़ाएं। तो मित्रों, ये तो था कि खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराएं। नाल छेदन जो होता है यानी जन्म कैसे होता है उसका सही तरीका जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन पूजा के दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास रात के ठीक 12 बजे एक सिक्के से खीरे और टंडल के बीच से उसे काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बाल कृष्ण का नाल छेदन कहा जाता है। याद रखिए, आपको इस दिन खीरा जो है वो टंडल वाला लेना है, यानी कि उनका टंडल साथ में होना चाहिए, तो उस वाले हिस्से को ही आपको सिक्के से काटना है। याद रखिए, आपको चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, धार वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। तो ऐसे यूज़र जो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देख रहे हैं, उनके लिए एक लकी टिप्स दे रही हूँ जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, यानी कि बाल गोपाल की पूजा से जुड़ी हुई। कान्हा को जन्माष्टमी पर खीरे का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि खीरे का भोग लगाने से भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट काट लेते हैं। मान्यता है कि जिस खीरे से नंद के लाल का छेदन किया जाता है, अगर हो सके तो खीरे को बाद में किसी गर्भवती महिलाओं को
खिला दिया जाए, जिससे कि उन्हें भी कृष्ण जैसे प्यारे से नटखट से लल्ला पैदा हो। तो चलिए मित्रों, इस बोनस टिप्स के साथ आपको मैं अलविदा करती हूँ। और मित्रों, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर ले। चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे मित्रों।